हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ हार्मोन एक्शन ऑन सेल्स ऑफ टारगेट ऑर्गन। इसका मतलब हार्मोन्स किस प्रकार से अपने टारगेट ऑर्गन के सेल के ऊपर एक्शन करते हैं। तो दो एक्शन होती है जिसे हम मोड ऑफ एक्शन बोलते हैं। फर्स्ट मोड ऑफ हार्मोन एक्शन थ्रू मेम्ब्रेन रिसेप्टर, और सेकंड मोड ऑफ एक्शन है मोड्स ऑफ हार्मोन एक्शन थ्रू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। ओके, तो दो मोड हो गए। पहले मोड में मेम्ब्रेन रिसेप्टर के साथ हार्मोन बाउंड करेगा कि जो सेल के अंदर नहीं जा पाता है, हार्मोन सेल के अंदर एंटर नहीं होता। लेकिन दूसरी केस में इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है, इसकी वजह से हार्मोन सेल के अंदर एंट्री करता है और वहां अपनी डायरेक्ट एक्शन करता है। तो दो मोड हो गए, एक तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ और सेकंड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ। अभी ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर हो गया, सेल के न्यूक्लियस के अंदर है। अब हम समझेंगे कि रिसेप्टर क्या होते हैं। रिसेप्टर एक स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं जो किसी भी टारगेट ऑर्गन के सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेट करते हैं, रहते हैं, या फिर सेल के अंदर पाए जाते हैं। ये प्रोटीन है। रिसेप्टर्स आर सिंपली प्रोटीन्स, आइदर दे आर फाउंड ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स ऑफ टारगेट ऑर्गन और इनसाइड द सेल्स ऑफ टारगेट ऑर्गन। ओके, तो जैसे देख लिया हमने, एक तो ये मेम्ब्रेन के ऊपर है, ये सेल के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है। तो हार्मोन यहां एक्शन करेगा, यहां बाउंड करेगा, यहां से एक्शन स्टार्ट करेगा आउटसाइड द सेल, और यहां सेल के अंदर जाके एक्शन करेगा। ओके, तो पहला मोड, मोड्स ऑफ हार्मोन एक्शन थ्रू मेम्ब्रेन रिसेप्टर। तो इसे हमें प्रॉपरली समझना है। कोई भी हार्मोन जाके यहां बाउंड करेगा, जैसे यहां बाउंड कर लिया यह हार्मोन ने रिसेप्टर के ऊपर बाउंड किया, दूसरा हार्मोन डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करता है, और वो यहां रिसेप्टर के साथ बाउंड हो गया। जब हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाउंड करेगा तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। व्हेन हार्मोन बाउंड्स विद द रिसेप्टर, आइदर इट इज लोकेटेड ऑन द मेम्ब्रेन और इनसाइड द सेल, देन द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म एंड देन द हार्मोनल एक्शन बिगिंस आइदर एट मेम्ब्रेन और इनसाइड द सेल। ओके, तो पहला मोड थ्रू मेम्ब्रेन रिसेप्टर हम विस्तार से स्टडी करेंगे, उसके बाद दूसरा मोड थ्रू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर उसके बाद स्टडी करेंगे। तो आइए हम स्टडी करते हैं पहला मोड थ्रू मेम्ब्रेन रिसेप्टर। ओके, ये सेल है, सपोज इट इज अ मेम्ब्रेन ऑफ ए सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए सेल,
और रिसेप्टर यहां सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर है। रिसेप्टर एक प्रोटीन है जो हार्मोन को बाउंड करता है। और देखिए, अगर हार्मोन सेल के नजदीक पहुंचता है, व्हेन हार्मोन रीचेस नियर द सेल ऑफ टारगेट ऑर्गन, देन हार्मोन, ये हार्मोन है, जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, लिंक करेगा या लॉक करेगा, तो बनता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। नाउ हार्मोन गेट बाउंड इनटू रिसेप्टर, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन। नाउ इट इनिशिएट, एज द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, इट रिलीजेस ए एंजाइम एडिनिलेट साइक्लेज। ये जो एंजाइम है, ये स्टिमुलेटरी एंजाइम है, ये रिलीज होगा और ये फॉर्म करेगा सेकंड मैसेंजर, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करती है उसे हम प्राइमरी मैसेंजर कहते हैं। इन डेफिनेशन वी कैन से दैट हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स और हार्मोन्स आर इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स, बिकॉज दे आर द केमिकल मैसेंजर्स, दे ब्रिंग मैसेज, पर्टिकुलर मैसेज फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड टू टारगेट ऑर्गन। तो ये हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज हुआ है और ये सेल है टारगेट ऑर्गन की, इसके मेम्ब्रेन को मैसेज कर रहा है, मैसेज दे रहा है कोई, तो जो मैसेज सेल के अंदर बायोकेमिकल या फिर फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन या चेंज करवाएगा। अभी ये हार्मोन बाउंड हुआ है रिसेप्टर के अंदर, जब वो बाउंड होता है तुरंत एडिनिलेट साइक्लेज नाम का एंजाइम रिलीज होता है और ये एंजाइम हेल्प करता है सेकंड मैसेंजर फॉर्म करने के लिए, क्योंकि एक मैसेंजर था सेल के बाहर, दूसरा मैसेंजर लगने वाला है सेल के अंदर, तो वो बनेगा एडिनिलेट साइक्लेज की वजह से साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक एएमपी, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। सेल के अंदर साइक्लिक एएमपी या साइक्लिक जीएमपी, गोनोसाइन या ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, एडिनिन मोनोफॉस्फेट, या फिर कैल्शियम आयन, या चौथा सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस होता है IP3, इसका मतलब इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। तो सेकेंडरी मैसेंजर्स कितने होते हैं? चार प्रकार के मैसेंजर्स फॉर्म हो सकते हैं सेल के अंदर जब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके बाद, तो इनमें से कोई भी एक चलता है, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, या फिर कैल्शियम आयन, या फिर इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। तो अभी बन गया सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर फिर अंदर बायोकेमिकल चेंज लाता है, एज द सेकेंडरी मैसेंजर फॉर इट ब्रिंग्स, इट इनिशिएट बायोकेमिकल चेंजेस इन द सेल्स ऑफ टारगेट ऑर्गन्स।
और फिर बायोकेमिकल चेंज के बाद फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, यानी कि हार्मोन की जो एक्शन होगी उसके हिसाब से फिजियोलॉजिकल चेंज होगा। तो इस तरह से मोड ऑफ हार्मोन एक्शन, ये फर्स्ट मोड था, कौन सा? थ्रू मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। ओके, पहला हमने देखा कि मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर होते हैं जहां हार्मोन बाउंड होता है, फिर सेकेंडरी मैसेंजर फॉर्म होते हैं जो बायोकेमिकल चेंज लाते हैं सेल के अंदर, और जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं सेल के अंदर। दिस इज ऑल अबाउट एक्शन थ्रू मेम्ब्रेन रिसेप्टर। अभी हम जाएंगे सेकंड एक्शन की तरफ, मोड ऑफ एक्शन की तरफ, जिसे हम कहते हैं थ्रू इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स। तो ये सेकंड एक्शन हुई जो सेल के अंदर होने वाली है। तो हम जो पहली फिगर है उसे चेंज करते हैं थोड़ा। ओके, ये सेल है टारगेट ऑर्गन की, जिसका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, और अंदर हम एक बड़ा वाला न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे। ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के बाहर ये साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोप्लाज्म। हमें मालूम है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए। ये हुआ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, इट कंटेन्स मेनी जीन्स। DNA contains many genes. Okay. Here, now, the second mode of action through intracellular receptor. और ये receptor कहाँ located है? अंदर, यहाँ। इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर ऑफ हार्मोन। ओके, नाउ जब हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करेगी, रिलीजेस हार्मोन, अभी ये हार्मोन हो गया, ये ब्लड के फ्लो के साथ अलोंग विथ ब्लड फ्लो सर्कुलेशन दे आर ब्रॉट टू द सेल। लेकिन दूसरा मोड जो हार्मोन प्ले करते हैं वो लिपिड सोल्युबल होते हैं, और पहले वाले हार्मोन जो हमने स्टडी किए वो नॉन स्टीरॉइड हार्मोन होते हैं, जो हार्मोन मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के ऊपर
बाउंड करते हैं उन्हें हम नॉन स्टीरॉइड हार्मोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टीरॉइड नहीं होते, मतलब लिपिड सोल्यूबल नहीं बल्कि वाटर सोल्यूबल होते हैं। इसकी वजह से वो वाटर सोल्यूबल होते हैं या फिर लिपिड इनसोल्यूबल होते हैं, नॉन सोल्यूबल होते हैं। इसकी वजह से वो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन पार नहीं कर पाते, सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा पाते। लेकिन लिपिड सोल्यूबल हार्मोन जैसे कि स्टीरॉइड इजीली जाते हैं। तो पहले वाले जो हार्मोन होते हैं जिन्हें हम मेम्ब्रेन रिसेप्टर के ऊपर बाउंड होते हुए देखते हैं, तो उनमें कौन से हार्मोन्स इंक्लूड किए होते हैं जो नॉन लिपिड हार्मोन होते हैं? पर्टिकुलरली अमाइन ग्रुप होता है जिनमें कैटेचोल अमाइन होता है, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन या फिर मेलाटोनिन, फिर प्रोटीन हार्मोन सभी जैसे कि TSH, FSH, LH और बहुत सारे लैक्टोट्रॉपिक हार्मोन, ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन, बाकी दूसरे ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, इस टाइप के प्रोटीन नेचर के बड़े बहुत सारे हार्मोन मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर रहते हैं उनमें बाउंड करते हैं। लेकिन ये सिर्फ स्टीरॉइड हार्मोन्स है जो सेल मेम्ब्रेन को पार कर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी पार कर अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म तक पहुंच जाते हैं। वहां उनका इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होता है जहां वो बाउंड करते हैं। अभी हम फिगर में देख रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड कोई भी, जैसे स्टीरॉइड हार्मोन, जैसे गोनेड, यहां गोनेड से टेस्टिस या ओवरीज, हम अगर एग्जांपल लेंगे कोई भी, जैसे इस्ट्रोजेन है, इस्ट्रोजेन रिलीज बाय ओवरीज एंड दे एक्ट अपॉन द यूटेरस, ऑन द यूटेराइन वॉल। ओके, तो जैसे ओवरी से एंडोक्राइन ग्लैंड से, मतलब ओवरी का एंडोक्राइन पार्ट से इस्ट्रोजेन हार्मोन रिलीज होता है जो सेल के मेम्ब्रेन को पार कर अंदर पहुंचता है साइटोप्लाज्म में। वहां से वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को पार कर अपने रिसेप्टर के ऊपर बाउंड करता है, लॉक करता है। अभी ये हार्मोन हुआ स्टीरॉइड हार्मोन जो लिपिड सोल्यूबल है एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कैन इजीली परमिटेड थ्रू सेल मेम्ब्रेन देन एंटरिंग इनटू द साइटोप्लाज्म एंड फ्रॉम वेयर दे एंटर इनटू न्यूक्लियोप्लाज्म बाय पासिंग थ्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, इनमें लिपिड का डबल लेयर होता है, बायलेयर ऑफ लिपिड होता है। इसकी वजह से लिपिड सोल्यूबल हॉर्मोन्स या सब्सटेंसेस इजीली पार कर सकते हैं उसको, मेम्ब्रेन को या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो हार्मोन स्टीरॉइड हार्मोन इस्ट्रोजेन पहुंच गया न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, वहां बाउंड कर रहा है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ जो हमने ग्रीन कलर में बताया। तो स्टीरॉइड हार्मोन इस्ट्रोजेन गेट बाउंड टू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर एंड नाउ दिस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, नाउ इट इज कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, इट stimulates the particular segment of DNA that is called gene. अभी ये hormone receptor complex अपने DNA या फिर gene के ऊपर direct action करता है, जैसे हम देख रहे अभी hormone receptor complex यहां
जीन के ऊपर एक्शन करता हुआ हम देख रहे हैं. दे डायरेक्टली एक्ट अपॉन जेनेटिक मटेरियल एंड हियर दे ब्रिंग अबाउट सम चेंज. दे फॉर्मिंग फर्स्ट mRNA, मैसेंजर RNA, देन मैसेंजर RNA ट्रांसलेटेड सो एज टू फॉर्म पर्टिकुलर प्रोटीन. देन पर्टिकुलर प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज इनसाइड द सेल ऑफ टारगेट ऑर्गन. तो सेकंड मोड ऑफ एक्शन कैसे देखा हमने, थ्रू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के हेल्प से स्टीरॉइड हार्मोन इस्ट्रोजेन एंटर्स इनटू द साइटोप्लाज्म बाय क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन, देन इनटू द न्यूक्लियोप्लाज्म बाय क्रॉसिंग द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन गेट बाउंड लॉक्ड टू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, देन हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म. इट स्टिमुलेट्स पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द डीएनए मीन्स जीन वेयर जीन ट्रांसक्राइब्स mRNA, जीन mRNA फॉर्म करती है और mRNA से प्रोटीन बनता है. प्रोटीन बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल चेंज कैरी ऑन करता है सेल के अंदर. इस तरह से दो मोड ऑफ एक्शन हो गए. पहला देखा हमने मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के हेल्प से, अभी सेकंड वाला हम स्टडी कर रहे हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के थ्रू. ओके देन फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माय वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ पॉसिबल शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो.